राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसको लेकर जगह जगह गांधी चौपाल का आयोजन कर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का हुसूम तैयार कर रही है। मानदाता विधानसभा क्षेत्र के पूर्णी गांव में गांधी चौपाल का आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व विधायक ठाकुर राम नारायण सिंह ने बताया कि यात्रा 22 नवंबर को मानदाता पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी ओमकारेश्वर के दर्शन करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने कहा कि अमर शहीद टंटिया मामा के स्मारक भी राहुल गांधी पहुंचेंगे, वहां वे आदिवासियों के मसीहा को याद करेंगे। चौपाल में पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष मृणाल पंत ने कहा कि गांधी जी की दांडी यात्रा ने देश के हर नागरिक को जगाने का काम किया था और इससे पूरा देश एक सूत्र में बंधा और आजादी की राह पर चल पड़ा था। कांग्रेस बिखरी हुई नहीं, कांग्रेस जुड़ी हुई है। ये कार्यक्रम तो चूंकि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी पद लोलुपी व्यक्ति नहीं है, न उनको चुनाव से अभी कोई लेना देना है, लेकिन वो गरीबों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है इस हिंदुस्तान में, इसके वजह से उनने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और कांग्रेस जन उनके साथ मजबूती से खड़ा है और आने वाले सभी समय में इस देश का भविष्य राहुल गांधी ही बदलेंगे। हमारे देश गांव की जैसे बात करें, खरगोन जिले का जो बाउंड्री है वहाँ से स्टार्ट होगी, तो निश्चित ही वहाँ उनकी नुक्कड़ सभा है। उसके पहले टंट्या मामा का जो स्थान है बड़ौदा जो बड़ौदा जो नाम का अहिर गांव है, वहाँ उनकी जन्मस्थली है, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ उनका माल्यार्पण करेंगे, वहाँ के आमजनों से वहाँ भी मुलाकात करेंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे।